बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है ET2 MT2 CT2 मैथमेटिक्स 212233 एक्सरसाइज 6.2 8.2 डेट है 4th January 2021। अब एक्सरसाइज 6.2 एंड एक्सरसाइज 8.2 का ही क्वेश्चन है। इंटेग्रल 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट नंबर ये 1 है, इसको हम आई के इक्वल लेट कर देते हैं। आई का मतलब है इंटेग्रल, आई इक्वल्स टू डी एक्स ओवर 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इसके बाद नीचे अब एक्स स्क्वायर के साथ 16 जो उसका कोएफिशिएंट है, हमने इसको बाहर कॉमन लेना है। कॉमन इसलिए लेना है कि इस क्वेश्चन के लिए हमने जो सब्स्टिट्यूशन करनी है वो करनी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को, तो हमने यहाँ पर पुट करना है एक्स इक्वल्स टू ए साइन टी। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट जो इधर है वो 1 है, लेकिन क्वेश्चन में जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 16 है। तो हम सेकंड स्टेप में, ये स्टेप नंबर 2 है, इस स्टेप में हमने ये वाला जो x स्क्वायर के साथ 16 है इसको बाहर कॉमन लेना। अब कॉमन लेंगे, लेकिन कॉमन तभी लेते हैं जब वो दोनों वैल्यूज के साथ हो। अब 25 के साथ 16 नहीं है, तो हम क्या करते हैं 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 16 से ही डिवाइड कर देते हैं। फिर अब 16 25 के साथ भी आ जाएगा और एक्स स्क्वायर के साथ भी। अब इससे जो नीचे वाला स्टेप है वो क्या है, वो आ जाएगा 16 कॉमन लिया तो 25 ओवर 16 इंटू एक्स स्क्वायर। अब 16 को अगर हम अंडर रूट से बाहर लेंगे तो 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो यहाँ पर आ गया 1 आई इक्वल्स टू इंटेग्रल डी एक्स 4 इंटू अंडर रूट 25 ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नीचे वाले स्टेप पे आ जाएं, इस स्टेप पे ये 1/4 जो है कांस्टेंट है, इस पर इंटेग्रल लागू नहीं होता, इसको इंटेग्रल से भी बाहर ले आए तो 1/5/4 25 5 का स्क्वायर है और 16 4 का, तो 5/4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। उसके बाद नीचे वाले स्टेप में देख लें आप कि वो ये किया हुआ है, अब एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कोई नहीं है, तो हम यहाँ पर नीचे वाला स्टेप लेने के लिए हम पुट कर देंगे एक्स इक्वल्स टू, पुट एक्स इक्वल्स टू 5/4 साइन टी। तो यहाँ पर डी ओवर डी टी एक्स 5/4 डी ओवर डी टी साइन टी, तो डी एक्स ओवर डी टी 5/4 कॉस टी डी एक्स 5/4 कॉस टी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर हम आई की जगह सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो हमारे पास एक्स की जगह वो वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर 5/4 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर ले लें तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 5/4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अंडर रूट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी जो है ये कॉस स्क्वायर टी के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर टी का अंडर रूट ले रहे। अब जब कॉस का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो 5/4 कॉस टी इंटू 5/4 कॉस टी ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास नीचे आई 1/4 इंटेग्रल 1 डी टी। अब अगर हम x को डिफ्रेंशिएट करें 1 के बराबर आता है और 1 का इंटेग्रल x के बराबर आएगा,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन का इंटेग्रल डी टी के लिहाज से टी आएगा, तो आई इक्वल्स टू वन बाई फोर टी प्लस सी। अब यहाँ पर हमने जो पुट किया हुआ वो एक्स इक्वल्स टू फाइव बाई फोर साइन टी है, तो फोर ऊपर जाके एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फाइव नीचे डिवाइड हो जाएगा साइन टी, तो साइन इनवर्स फोर एक्स ओवर फाइव, टी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें इंटेग्रल की वैल्यू आ जाएगी। होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा।